जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने रविवार को होलिका दहन समिति के तत्वावधान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निकाले जाने वाली मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान ड्रोन कैमरे से मुख्यमंत्री योगी के शोभा यात्रा के मार्ग का जायजा लिया गया, जिसमें कुछ लोगों के छतों पर ईंट पत्थर पाए गए, जिसको हटाने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। इसके अलावा एसएसपी जवानों के साथ सभी मार्गों का निरीक्षण किया गया है। आपको बताते कि 24 मार्च को होलिका दहन समिति के द्वारा पांडेहाता से निकलने वाली शोभा यात्रा में गोरक्ष पीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। यह शोभा यात्रा कई वर्षों से निकाली जाती है। यह शोभा यात्रा पांडेहाता से घंटाघर, नारमल, मदरसा चौक, घसीकटरा, ईदगाह रोड, आर्यनगर, नखास चौक, घंटाघर होते हुए पांडेहाता पर समाप्त होगी। उसके बाद होलिका दहन देर रात 12:23 से 1 बजे के बीच जलाया जाएगा। इस अवसर पर एडीएम एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई, सीओ कोतवाली गौरव कुमार त्रिपाठी, राजघाट थाना प्रभारी नितिन श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, आगामी होली के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए जनपदीय पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की जा रही है। विशेष रूप से पूरे जनपद में जहां जहां भी होलिका रखी जाती है और होलिका दहन का कार्यक्रम होता है, उन सभी जगह पर हमारे बीट कांस्टेबल्स और हल्का दरोगा द्वारा विजिट कर लिया गया है। वहां के आयोजकों के साथ संपर्क साध दिया गया है। सभी जगह पर जहां पर होलिका दहन हो रहा है वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त जो रंग खेला जाएगा अगले दिन, तो उसके लिए भी हमारे पास जनपदीय पुलिस के साथ साथ पीएसी व सीएपीएफ की भी जो हमारे पास फोर्स है उसको डिप्लॉय किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा और वीडियोग्राफी वीडियो कैमरा से सभी चीजों पर निगरानी रखी जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों को आगामी होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ ये अपील भी करता हूं कि ये त्योहार आप अपने परिजनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बड़े अच्छे ढंग से मनाएं, खुशहाली से मनाएं और ये त्योहार आपके जीवन में संपन्नता लाए। और साथ ही साथ इस त्योहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु आप पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिस वजह से कानून व्यवस्था पर कोई आ जाए या कोई भी ऐसी क्राइम की घटना आपके द्वारा ना हो।